Good morning everyone, this is Aniliket Sharma and welcome to my channel Oracle Tech India. और आज हम Unix में process के regarding कुछ commands जैसे कि ps, nohop, kill commands को थोड़ा detail में जानेंगे. Process, तो इस video lecture में हम focus करेंगे कि Unix operating system में process क्या है और process के regarding कौन कौन से commands है. तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है. तो प्रोसेस क्या है, एन इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोसेस. तो इसका मतलब ये है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब भी कोई यूज़र कोई कमांड एग्जीक्यूट करता है तो उस कमांड को रन कराने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनली एक प्रोग्राम रन करता है और उस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेस है वो इंटरनली जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को प्रोवाइड कर देता है और वो प्रोग्राम फिर उस यूज़र के कमांड को एग्जीक्यूट करता है. तो एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम और हार्डवेयर रिसोर्सेस जो है जो लग रही है उसी को प्रोसेस बोला जाता है. तो जब भी यूजर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उस कमांड के साथ हमेशा एक प्रोसेस जरूर स्टार्ट होगा और अगर एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसकी एक प्रोसेस आईडी भी बनेगी. तो अगर यूजर ने कोई कमांड एग्जीक्यूट किया है और अगर वो कमांड बीच में हैंग कर जाता है तो उस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम उसके प्रोसेस आईडी को ले करके उस प्रोसेस आईडी को कैंसिल करेंगे. उस प्रोसेस आईडी को यूनिक्स में किल कमांड है, किल कमांड के थ्रू उस प्रोसेस आईडी को कैंसिल करेंगे तभी वो कमांड जो है कैंसिल होगी और सिस्टम फिर से स्मूथली चलेगा. तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि यूज़र जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट करता है तो उस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूनिक्स में इंटरनली एक प्रोग्राम रन करता है और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेस चाहिए होते हैं यूनिक्स के वो यूनिक्स प्रोवाइड करता है उस प्रोग्राम को. तो प्रोग्राम प्लस रिसोर्सेस, हार्डवेयर रिसोर्सेस वगैरह जितना भी है इन सब को ही मिला जुला एक प्रोसेस बोलते हैं और जो भी कमांड एग्जीक्यूट होगा उसके साथ एक प्रोसेस जरूर स्टार्ट होगा, एक प्रोसेस आईडी जरूर क्रिएट होगी. तो एवरी टाइम यू रन ए शेल कमांड, तो जब कभी भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यूनिक्स में तो उसके लिए ए प्रोग्राम इज रन. तो उसके लिए एक प्रोग्राम रन होगा और प्रोग्राम रन होगा तो इसको जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए वो यूनिक्स इस प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड करेगा तो इसी को बोलते हैं कि एक प्रोसेस क्रिएट हो गया है. मतलब उस कमांड के साथ एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रोसेस आईडी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी. तो इच प्रोसेस इन लिनक्स हैज ए प्रोसेस आईडी, तो जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा उसकी एक प्रोसेस आईडी जरूर क्रिएट होगी एंड इट इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर यूजर. तो एक यूजर जब एक कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो एक प्रोसेस आईडी भी बनेगी. तो वो प्रोसेस आईडी उस यूजर से रिलेटेड हो जाएगी कि उस यूजर ने ये कमांड एग्जीक्यूट किया है तो इस कमांड का प्रोसेस आईडी ये है. तो बेसिकली ये था सारा प्रोसेस के बारे में. अब समझते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस के रिगार्डिंग पहला जो कमांड है हमारे पास वो है ps कमांड. तो ps कमांड क्या करता है, इट डिस्प्लेस द प्रोसेस एसोसिएटेड विद यूजर एट द टर्मिनल. तो ps कमांड बताएगा कि किस यूजर ने अपने कंप्यूटर से या टर्मिनल से कौन सा कमांड एग्जीक्यूट किया है तो उसके साथ एक प्रोसेस आईडी को जनरेट करेगा ये. तो टर्मिनल से जितने भी यूजर ने जो जो कमांड एग्जीक्यूट किया है, जो कुछ भी काम किया है उसने, उस यूजर के रिगार्डिंग एक प्रोसेस आईडी बन जाती है. तो वो प्रोसेस
आईडी को देखने के लिए हम ps कमांड को यूज करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आप ps टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर को टाइप नहीं करना है, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट में दिखाएगा PID। तो PID को ही प्रोसेस आईडी बोलते हैं। तो 291 जो है आपका, ये प्रोसेस आईडी है। TTY ये आपका कंप्यूटर का नाम है, टर्मिनल का नाम है। और टाइम का मतलब वो प्रोसेस आईडी या वो कमांड एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा वो बताएगा यहाँ पे। और CMD का मतलब है ये कमांड नेम जिसने प्रोसेस को जो है लॉन्च किया है, यानी कि बेस नाम के प्रोसेस को चलाया है इसने। तो यहाँ पर PID का मतलब प्रोसेस आईडी हो गया, TTY का मतलब टर्मिनल नेम हो गया, टाइम का मतलब प्रोसेस टाइम कि प्रोसेस को रन करने में कितना टाइम लगा, और CMD का मतलब कि कमांड नेम दैट लॉन्च्ड द प्रोसेस, कि प्रोसेस को जिस कमांड ने जो है लॉन्च किया है, प्रोसेस को जिस कमांड ने चलाया है वो बेस कमांड है, BASH। मतलब ये यूनिक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है, बेस कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी कि बेस कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जो है वो कमांड एग्जीक्यूट हुई है और उसके रिगार्डिंग फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और प्रोसेस टाइम का मतलब है कि दैट हैज़ बीन कंज्यूम्ड सिंस द प्रोसेस स्टार्टेड। प्रोसेस टाइम का मतलब है कि एक प्रोसेस को रन होने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पर ये टाइम प्रोसेस टाइम और ये प्रोसेस टाइम, ये एक ही चीज़ है। तो प्रोसेस टाइम यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस को जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के कब तक चला वो, तो वो प्रोसेस टाइम है। तो उसके बाद PS कमांड के रिगार्डिंग हमारे पास और भी बहुत सारे जो है कमांड है, तो इसको देख लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है। तो PS कमांड के साथ जब हम -F लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्पेशली प्रोसेस आईडी को ही ये शो करेगा, यूज़र की प्रोसेस आईडी को शो करेगा, यूज़र की प्रोसेस आईडी को शो करेगा और उसकी पूरी डिटेल्स देगा। UID क्या है, जो कमांड एग्जीक्यूट हुई है उसकी UID क्या है, उसकी PID क्या है, उसकी PPID क्या है, ये सब प्रोसेस आईडी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल को शो करेगा। उसके बाद PS-U कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, गिव्स ओनली यूजर प्रोसेस अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक मेमोरी एंड CPU यूजेस परसेंटेज द प्रोसेस स्टेट कोड एंड ऑनर ऑफ द प्रोसेसेस। तो जब हम PS-U कमांड को रन करेंगे तो यूजर ने कौन कौन से कमांड को एग्जीक्यूट किया है, कौन कौन से प्रोसेस को रन किया है उसने, तो उस प्रोसेस की एडिशनल इंफॉर्मेशन ये देगा, जैसे कि उसमें मेमोरी कितनी लगी, कौन सा CPU यूजेस कितना था, CPU यूजेस परसेंटेज कितना था, प्रोसेस का स्टेट कोड क्या था, प्रोसेस का यूजर कौन था, ये सारी डिटेल्स PS-U कमांड करेंगे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स ने जो भी कमांड या जो भी काम किया है उसके रिगार्डिंग सारा यूजर का नाम और उस यूजर के साथ प्रोसेस आईडी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे मेमोरी, CPU, प्रोसेस स्टेट कोड, ये सब चीज़ों को शो करेगा। उसके बाद PS-A कमांड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये देगा लिस्ट ऑफ ऑल रनिंग प्रोसेस ऑफ ऑल यूजर्स इन द सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने यूजर्स ने जो भी कमांड एग्जीक्यूट किया है उन सारे यूजर्स की जो प्रोसेस रन कर रही है उन सारे रनिंग प्रोसेस के लिस्ट को ये कमांड शो करेगा। उसके बाद PS-E कमांड जो है इट गिव्स लिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस, ये क्या करेगा, ये वो सारे प्रोसेस की लिस्ट देगा जिसमें यूजर रनिंग प्रोसेस और सिस्टम रनिंग प्रोसेस दोनों है। जब यूजर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता है तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसको यूजर रनिंग प्रोसेस बोलते हैं, और जब सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरनली कोई
प्रोसेस को रन करता है तो उसको सिस्टम रनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जब ps-e कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यूज़र रनिंग प्रोसेस को भी दिखाएगा और सिस्टम रनिंग प्रोसेस को भी दिखाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है नोहप कमांड। तो नोहप कमांड का मतलब है नो हैंगिंग अप कमांड। तो आइए देखते हैं कि यूनिक्स में नोहप या नो हैंगिंग अप कमांड का क्या यूज़ है। तो नो हैंगिंग अप कमांड जो है इट विल कंटिन्यू रनिंग द कमांड इवन आफ्टर यू लॉग आउट द सिस्टम। तो लेट सपोज आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो कमांड एग्जीक्यूट होने में बहुत टाइम ले रही है। तो हमें पता नहीं है कि कितना टाइम लेगी वो कमांड एग्जीक्यूट होने में या वो टास्क फिनिश होने में। तो उसको क्या करते हैं, नोहप कमांड के साथ उस कमांड को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर हम सिस्टम से लॉग आउट भी हो जाते हैं तो बैकग्राउंड में नोहप कमांड क्या करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और टास्क को कंप्लीट करके बैकग्राउंड में रिजल्ट को शो करेगा। और जब हम दोबारा सिस्टम से लॉग इन करेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो करके उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो समटाइम्स जॉब टेक्स ए लॉन्ग टाइम। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भी जॉब हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म करते हैं तो वो जॉब एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लेता है। तो इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो अगर आप श्योर नहीं हैं व्हेन द जॉब विल फिनिश कि ये जॉब कितना टाइम लेगी फिनिश होने में, तो इट इज़ बेटर टू लीव द जॉब रनिंग इन बैकग्राउंड। तो ये बेटर है कि आप उस जॉब को एग्जीक्यूट करके बैकग्राउंड में रनिंग करता हुआ छोड़ दे। तो उसी के लिए हम नोहप कमांड यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, नोहप कमांड का मतलब है नो हैंगिंग अप कमांड। तो नोहप कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते, तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जा करके नोहप टाइप करेंगे और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं शॉर्टिंग करना चाहता हूँ ईएमपी टेबल के ऊपर। शॉर्टिंग का मतलब है कि ईएमपी टेबल के किसी भी कॉलम के ऊपर मैं शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में, उस असेंडिंग या डिसेंडिंग के टास्क को परफॉर्म करना चाहता हूँ ईएमपी टेबल के किसी कॉलम पे। तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, नोहप कमांड के साथ सॉर्ट लिख करके ईएमपी टेबल का नाम लिख करके और नोहप कमांड को चलाने के लिए मैं M% लिख करके एंटर प्रेस करूँगा। तो ये क्या करेगा, जब हम सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे तो नोहप कमांड क्या करेगा, शॉर्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और शॉर्ट कमांड क्या करेगा, ईएमपी टेबल के ऊपर शॉर्टिंग करके बैकग्राउंड में रिजल्ट को दे देगा। और जब हम दोबारा सिस्टम से लॉगिन करेंगे तो हमें जो है शॉर्टिंग की हुई टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड ईएमपी का मतलब है कि इट डज शॉर्ट इन ईएमपी फाइल। तो शॉर्ट एक फंक्शन है, एक कमांड है, मतलब शॉर्टिंग करने के लिए, जो ईएमपी टेबल के ऊपर शॉर्टिंग कर रही है शॉर्ट कमांड। और M% क्या है, इट रन्स नोहप कमांड। और बैकग्राउंड में M% क्या करती है, ये नोहप कमांड को एग्जीक्यूट करती है। तो कुल मिला जुला करके जो है ये था नोहप कमांड के बारे में। इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट कमांड जो है वो है किल कमांड। तो आइए समझते हैं कि यूनिक्स में किल कमांड का क्या यूज़ है। तो बेसिकली यूनिक्स में किल कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस आईडी को किल करने के लिए। तो लेट सपोज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट किया है और वो कमांड हैंग कर रही है या हैंग कर गई है, तो उस कमांड को मुझे कैंसिल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि प्रोसेस आईडी को किल करना पड़ेगा। तो प्रोसेस आईडी को लेने के लिए ps कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि ps कमांड के साथ और कौन कौन से कमांड है जो लगा करके हम जो है प्रोसेस आईडी को ले सकते हैं,
देख सकते हैं। तो प्रोसेस आईडी को ले करके फिर किल कमांड को यूज़ करके उस प्रोसेस आईडी को किल कर देंगे, तो जो कमांड यूज़र ने एग्जीक्यूट किया है तो वो कमांड वहीं पे कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद उस कमांड को दोबारा वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके अलावा किल कमांड के और भी बहुत सारे यूज़ है, तो क्या यूज़ है वो देखते हैं। तो इट कॉजेज द स्पेसिफाइड सिग्नल टू बी सेंट टू द स्पेसिफाइड प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी स्पेसिफाइड प्रोसेस के पास अगर हमें सिग्नल भेजनी है तो किल कमांड को यूज़ करके वो सिग्नल भेज सकते हैं। तो सिग्नल का मतलब ये है कि उस प्रोसेस आईडी को मुझे हैंग अप करना है, तो हैंग अप करने के लिए मैं सिग्नल भेजूँगा। तो सिग्नल का मतलब वहाँ पे जो है आप कौन सा सिग्नल भेजना चाह रहे हैं, जैसे हैंगअप करने का सिग्नल भेजना चाहते हैं तो आप सिंपली HUP हप लिखेंगे किल कमांड के बाद, और उसके बाद PID नंबर प्रोसेस आईडी लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वो प्रोसेस आईडी हैंगअप कर जाएगी और उसके साथ जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो कमांड वहीं पर हैंग अप कर जाएगी। तो स्पेसिफाइड प्रोसेस के पास कोई हम सिग्नल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए किल कमांड को यूज़ करते हैं। अब किल कमांड को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो सिंपली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम जा करके किल लिखेंगे, किल के बाद -n का मतलब है सिग्नल नंबर, तो सिग्नल नंबर देना है, उसके बाद कौन से प्रोसेस आईडी पर परफॉर्म करना है वो प्रोसेस आईडी लिखनी है। तो किल का मतलब कमांड, -n का मतलब सिग्नल नंबर, PID का मतलब प्रोसेस आईडी। तो सिग्नल नंबर का मतलब है सिग्नल नंबर 1 इज हैंग अप सिग्नल। अगर आप किसी प्रोसेस आईडी को हैंग अप करना चाहते हो तो उसके लिए आप 1-1 लिखोगे तो आपका जो है वो प्रोसेस आईडी हैंग अप हो जाएगी और उसके साथ जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही थी वो कमांड भी हैंग अप हो जाएगी। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू किल द प्रोसेस बिकॉज इट सेव्स एज बफर। तो ये रिकमेंडेड की जाती है कि आप किसी भी प्रोसेस को हैंग अप ना करें, आप उस प्रोसेस को किल करें ताकि बफर में स्पेस बचा रहे और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो वो टास्क जो है उसकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर ना आए। तो जो डिफॉल्ट सिग्नल है वो है 9, तो 9 जो है एक किल सिग्नल टू किल ए प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस आईडी को आप किल करना चाहते हैं तो आप -9 लिख करके उस प्रोसेस आईडी को किल कर सकते हैं, या आप -9 नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ प्रोसेस आईडी किल कमांड के साथ सिर्फ प्रोसेस आईडी को लिखेंगे तो प्रोसेस आईडी किल कर जाएगी, क्योंकि 9 जो है यानी कि किल कमांड जो है वो 9 जो है वो किल कमांड के लिए है, मतलब प्रोसेस को किल करने के लिए है। तो बाय डिफॉल्ट जो है -9 जो है वो ले लेता है। तो कुछ सिग्नल्स है हमारे पास, लेट सपोज आप किसी भी प्रोसेस आईडी को हैंग अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप -1 लिख सकते हैं या फिर HUP हब कमांड वहां पे लिख सकते हैं। किसी भी प्रोसेस आईडी को इंटरप्ट करना चाहते हैं तो इंट लिख सकते हैं वहां पे। किसी भी प्रोसेस आईडी को क्विट करना चाहते हैं तो क्विट लिख सकते हैं, मतलब उस प्रोसेस आईडी के साथ कोई भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो आप चाह रहे हैं कि उस कमांड को क्विट करना है मुझे, तो आप प्रोसेस आईडी में क्विट लगा करके उस प्रोसेस आईडी को क्विट करके भी आप कमांड को क्विट कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस आईडी को एबॉर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रोसेस आईडी को किल कर सकते हैं 9 से। तो अब मान लीजिए मुझे 1234 नाम के एक प्रोसेस आईडी को किल करना है, उसके साथ कोई कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और वो हैंग हो गई है वो कमांड, तो उसके उसका जो प्रोसेस आईडी है वो है 1234। तो मैं क्या करूँगा, 1234 प्रोसेस आईडी को किल करूँगा, तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके मैं किल लिखूंगा और -n लिखूंगा। ये क्या है, सिग्नल नंबर है। तो ये सिग्नल नंबर क्या करेगा, अगर न्यूमेरिकल होगा यहाँ पर तो -n लगाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल नहीं होगा, कैरेक्टर होगा जैसे हप हप है,
इंट है, क्विट है, अबॉर्ट है, तो वहाँ पर हाइफन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हाइफन नाइन लगा करके उस प्रोसेस आईडी को लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो 1234 नाम की जो प्रोसेस आईडी है वो किल हो गई है। अब हमारा जो कमांड इसके साथ एग्जीक्यूट हो रही थी वो कमांड रिफ्रेश हो गई है, आप दोबारा से उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हाइफन नाइन ना दे करके किल के बाद सीधे 1234 प्रोसेस को लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, तब भी 1234 प्रोसेस को ही क्या करेगा, किल कर देगा, क्योंकि हाइफन नाइन जो है ये किल कमा प्रोसेस आईडी को किल करने के लिए सिग्नल है। तो यूनिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप कोई भी सिग्नल नंबर नहीं देंगे तो आपका हाइफन नाइन सिग्नल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेता है और उस प्रोसेस आईडी को किल कर देता है। अगर मैं चाहता हूँ 1234 इस प्रोसेस आईडी को मैं हैंगअप करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे हाइफन नाइन की जगह पर मैं हप लिख दूंगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो 1234 5 जो है ये हैंगअप कर जाएगा, प्रोसेस जो है वो हैंगअप कर जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं 1234 प्रोसेस को मैं क्विट करना चाहता हूँ, इसके साथ जो भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है मैं उसे क्विट करना चाहता हूँ, तो हाइफन नाइन की जगह पर मैं QUIT क्विट लिख करके एंटर प्रेस करूँगा, तो 1234 जो प्रोसेस आईडी है वो क्विट कर जाएगी और उसके साथ जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो कमांड भी क्विट हो जाएगी। तो कुल मिला जुला करके ये जो था किल कमांड के बारे में था। तो हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, बाकी के कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।